क्या महाराणा प्रताप का हल्दी घाट युद्ध से पलायन उचित था? यह राजपूतों के लिए बहुत बड़ा कलंक का बात है। तो बहुत सारे लोगों के बीच विवाद रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप इतने वीर से तो क्यों भाग गए हल्दी घाटी के युद्ध से, जबकि वो इसके पीछे की असली सच्चाई नहीं जानते। इतिहासकारों के बीच में इसके कई मत हैं। उन्होंने जो है कई सारे इतिहासकारों ने कहा है कि बहुत ही उचित जो निर्णय था, बहुत सारे लोग इसके जो है निंदा करते हुए कहते हैं कि ये राजपूतों के लिए कलंक की बात है। आइए इस पर छानबीन करते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा जाता है, जहाँ पे जो है 18 जून 1576 में ये जो है लड़ा जाता है, जिसको जो है बादशाह बाग कहा जाता है, जिसको जो है खमनौर का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। इसको कई प्रकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जहाँ बनास नदी के किनारे युद्ध होता है हल्दी घाटी के दर्रे पे, जिसको आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि आज वर्तमान में कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके बारे में कई सारे स्रोत मिलते हैं, जहाँ मुगल पक्ष से जो अकबरनामा, आईन अकबरी जैसे अबुल फजल जो है लिखते हैं, जहाँ पे जो है इसका सबसे प्रमुख स्रोत मुगल इतिहासकारों में मिलता है, जहाँ इसको लिखते हैं अब्दुल कातिर बदायूनी, जिसको जिनका नाम उनका बुक का नाम होता है मुंतखब उल तबारीक, जहाँ वो जो है इस जो है हल्दी घाट युद्ध का आंकड़ों देखा हाल लिखते हैं और वो बताते हैं किस प्रकार से युद्ध का जो है वर्णन हुआ, किस प्रकार से युद्ध की घटनाक्रम जो है घटित होता है। इसके अलावा जो है इसको जो है राजस्थान के इतिहास जो का जनक जानने वाले मानने वाले जो है राजस्थान के इतिहास का जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स स्टॉट ने इस पर अच्छा खासा रिसर्च किया है। गौरी शंकर हीरा ओझा ने इसके बारे में लिखा है। इसके अलावा मतलब कई सारे इतिहासकारों ने जो इसके बारे में बात किया, जदुनाथ सरकार समेत बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस पर जो है टिप्पणी की है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। जहाँ अगर हम NCERT की जो है नेशनल बुक की बात करें, हिस्ट्री बुक की, तो उसमें हल्दी घाटी के युद्ध केवल ऐसे लिखा जाता है कि 1576 में जो है युद्ध होता है और इसमें जो है महाराणा प्रताप की पराजय होती है, अकबर विजय हो जाता है, इस प्रकार से बस यही होता है। बाद में यहाँ थोड़ा सा वर्णन दिया है कि महाराणा प्रताप बाद में अपने क्षेत्र को जो है फिर से जो है पुनः प्राप्त कर लेते हैं अकबर से। तो इस प्रकार से वर्णन दिया गया, अर्थात राजपूतों को महाराणा प्रताप को मेवाड़ को हारा हुआ ही दिखाया जाता है इतिहास के पुस्तकों में, जो कि हमारे नेशनल लेवल पर जो है प्रचारित होता है, जिसको पढ़ा जाता है। तो आइए इस घटनाक्रम की बात करते हैं। 18 जून 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध जो है प्रारंभ होता है, प्रातः 8-9 बजे के आसपास इसको जो शुरू होता है मानते हैं, क्योंकि प्रचंड गर्मी थी, भीषण गर्मी 18 जून, आप जानते हैं कि भारत में जो किस प्रकार के गर्मी का जो है मौसम होता है, तो इस मौसम में जो है युद्ध जो है प्रारंभ होता है, जहाँ महाराणा प्रताप की सेना जो कि हकीम खान सूर के जो है नेतृत्व में, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में जहाँ वो युद्ध कर रहे थे, जहाँ 15,000 की सेना बताई जाती है महाराणा प्रताप की, 80,000 आसपास जो है अकबर की सेना बताई जाती है। तो इस प्रकार से जब युद्ध प्रारंभ होता है तो महाराणा प्रताप की सेना में ये जो है निर्णय लिया गया था, ये योजना बनाया गया था कि जो छापामार युद्ध अर्थात जो है ये जो है पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे और अकबर की सेना को आने देंगे पहले, उसके बाद उनको जो है हमला करेंगे, क्योंकि इनकी सेना कम थी और ज़मीन पर जो है लड़ नहीं सकते थे मैदान में। तो इस प्रकार से जो है पहाड़ों में युद्ध करने की जो है रणनीति बनाई गई थी, लेकिन जो है किसी परिस्थितियों में जो है सभी जो है मैदान में चले जाते हैं, अत्यधिक अभी पहाड़ी से नीचे आया था, तब जो है युद्ध जो है जब चलता है, तब जो है दिलावर खान नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बोलता है, वो नगाड़े बजाते हुए कि अकबर जो है कुछ सेना लेके आ चुका है। तो इस प्रकार से मुगल सेना में फिर से जो है उत्साह आता है और फिर से जो अटैक करते हैं महाराणा प्रताप की सेना में, युद्ध होता है। तब यही घटनाक्रम में आता है कि जो है इस प्रकार से महाराणा प्रताप जो है बीच सेना में घुस जाते हैं और जो है मान सिंह के हाथी जो कि मर्दाना नाम था जिसका, उसके ऊपर जो है चेतक के घोड़े के जो है पैरों को टापों को रखते हैं और भाले से जो वार करते हैं। फिर जो है वहाँ जो हाथी का संचालक था वो मृत्यु को प्राप्त होता है, मान सिंह जो है वो जो बैठ जाते हैं, इस प्रकार से वो बच जाते हैं और फिर चेतक के पैर में चोट लग जाती है। जब महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध में जो है घिरे होते हैं पूरे मुगल सैनिकों से, तब वो जो घायल होते हैं, छक विच्छित होना शुरू हो जाते हैं। तब जो है सभी जो है उन पर देखते हैं कि महाराणा प्रताप यदि नहीं बचते हैं तो मेवाड़ का नेतृत्व कौन करेगा, और मेवाड़ की कई पीढ़ियां जो है जौहर शाके में जो समाप्त हो चुकी थी, तो कौन नेतृत्व करेगा, मेवाड़ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से राजपूतों का जो है कौन गौरव बढ़ाएगा, कौन जो है भारत के जो है राज लिखेगा, इसलिए जो है महाराणा प्रताप को जो कहते हैं झाला मन्ना या झाला मान सिंह आके कहते हैं कि जाइए आप, मैं आपका राष्ट्रीय चिन्ह धारण करता हूँ और मैं युद्ध करता हूँ। तब बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा जो सामंतों के कहने पर महाराणा प्रताप जो है चेतक के साथ जो है अब युद्ध क्षेत्र को छोड़ के जाते हैं, जहाँ कई सारे प्रसंग में जो है कहा जाता है कि सेना कई सारे जो मुगल सैनिक उनके पीछे करते हैं और शक्ति सिंह उन्हें मजाता है, जबकि इतिहासकारों का मत इससे उल्टा है, शक्ति सिंह को बताते हैं कि पहले ही जो युद्ध में आम आ चुके थे। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप जो है युद्ध से पलायन कर जाते हैं और झाला बिदा या झाला मान सिंह वहाँ पर जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
तो यहीं से बात आती है कि बहुत सारे लोग यहीं से पकड़ते हैं कि राजपूतों में जितना वीरता था ये वो जो है प्राण जाए पर वचन ना जाए ये बात पे जो पालन करते हैं श्री रामचंद्र जी के वंशज थे, तो इस प्रकार क्षत्रिय वीर थे तो क्यों वो भागते हैं, अर्थात महाराणा प्रताप कायर थे वो क्यों भाग गए हल्दीघाटी के युद्ध से। तो चलिए आप इतिहास, अब इतिहास पढ़ी रहे तो इतिहासकारों के मत को मानते हैं, तो कर्नल जेम्स टॉड वो क्या कहते हैं इस पर, कर्नल जेम्स टॉड जिन्हें जो राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं वो इस पे कहते हैं कि राजपूत जो वीर थे बहुत वीर थे उनमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी यही बात थी कि उनके हारने का यही था क्योंकि वो जो है युद्ध को जो है केवल मृत्यु तक लड़ते थे, अर्थात वो जो योजनाबद्ध नहीं लड़ते थे, वो केवल ये मानते थे कि युद्ध में जाओ या मारो या मरो बस यही जानते थे। जबकि अगर असल में आप देखें तो युद्ध के एक युद्ध से कोई निर्णय नहीं होता, आपको लगातार युद्ध करने पड़ते हैं, आपको जो है वहाँ टिकना होता है, आपको अपने जीवित रहना होता है क्योंकि आपके नेतृत्व सिद्ध करते हैं आपके पराक्रम जो है, अकेले आप कितने को मारोगे लेकिन आपके नेतृत्व होगा तो आप जो है बड़ी से बड़ी सेना को हरा पाओगे। तो इसी प्रकार से जो है कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि सबसे अच्छा फैसला था महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से चले गए, क्योंकि राजपूत जो है मरना या मारना जानते थे, अर्थात जो है कई सारे युद्ध में आप देखेंगे कि राजपूत जो है केसरिया करते हैं वीर गति के प्राप्त होते, लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ से युद्ध भूमि से पलायन करते हैं, इसको सर्वोत्तम निर्णय बताया कर्नल जेम्स टॉड ने, क्योंकि जो है राजपूत मरते थे या मारते थे लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ से बच के जाते हैं, फिर से वो गोरिल्ला युद्ध गोरिल्ला वॉरफेयर अर्थात जो छापामार युद्ध कला से जो है फिर से मुहिम चालू करते हैं, फिर से जो मेवाड़ को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप के यहाँ जीवित रहना अति आवश्यक था मेवाड़ के लिए, भारत भूमि के लिए और हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो इस प्रकार से जेम्स टॉड तो इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है तारीफ करते हैं, इस प्रकार जो है प्रशंसा करते हैं महाराणा प्रताप की, और कई सारे इतिहासकारों ने भी इसका जो है उचित निर्णय इसको बताया है, जैसे कि गोपीनाथ शर्मा हो गए हमारे गौरी शंकर हीरा से उधर सब उन्होंने जो है इसको उचित ही बताया क्योंकि महाराणा प्रताप का उस परिस्थिति में जीवित रहना अति आवश्यक था क्योंकि मेवाड़ के लिए कोई नेतृत्व नहीं था और महाराणा प्रताप जैसा नेतृत्व मिलना मेवाड़ को युग युग में कभी कभी कभार ही प्राप्त होता था, अर्थात महाराणा सांगा महाराणा कुंभा जैसे उसी लेवल पर जो है महाराणा प्रताप को जो है आंका जाता है, उन्हीं को रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको बहुत ही उचित निर्णय बताया जाता है कर्नल जेम्स टॉड और कई इतिहासकारों के द्वारा। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप का युद्ध भूमि से निकलना ये कोई बहुत बड़ा जो कलंक की बात नहीं, क्योंकि आपको टिकना आवश्यक है, आपको जो जमे रहना आवश्यक है, आप मृत्यु के प्राप्त होंगे तो आप नेतृत्व कौन करेगा। तो इस प्रकार से ये जो लोग कहते हैं ना कि आप तो यहाँ पे जो है प्राण जाए पर वतन ना जाए ये वाला जो है माना जाता है, क्यों भागे महाराणा प्रताप, तो ये बताइए जो इनसे वो युद्ध कर रहे थे वो कैसे थे, वो तो ये थे कि सब कुछ रह जाए लेकिन बस प्राण मत जाए, अर्थात आप याद आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी ने कितने कितने बार पृथ्वीराज चौहान के चरणों में पढ़ पढ़ के भीख मांग मांग के अपने जीवन को जो बचाया और आखिरकार गद्दारी करके पृथ्वीराज चौहान को ही जो है पराजित करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो आखिर ये क्या होता है, तो इसी प्रकार से इसी युद्ध से इतिहास हमें सीखने के लिए होता है, श्री राम ने जैसा किया लेकिन श्री कृष्ण ने उसके विपरीत किया, अर्थात इतिहास हमारे लिए शिक्षक का कार्य करते था, हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि पहले जो क्या गलती की थी उसको नहीं करना है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने बिल्कुल शिक्षा ली, वे जीवित रहे, नेतृत्व प्रदान किया मेवाड़ को, इस प्रकार से वो अखंड स्वर मेवाड़ को जो है स्वतंत्र कराया, चित्तौड़ और कुछ क्षेत्रों को छोड़ के वो जो है अपने जीवन काल में पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराते हैं। इस प्रकार से महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी युद्ध से जो है पलायन सर्वोचित था, क्योंकि इसके पश्चात 1582 में दिवेर का युद्ध आता जो कि विजयदशमी के दिन होता, उसमें बिल्कुल बुरी तरह से जो है मेवाड़ी सेना जो है मुगल की सेनाओं को जो है बिल्कुल हराती है, जहां महाराणा प्रताप और अमर सिंह जी के नेतृत्व में जो है विजय प्राप्त करती है जो है क्षत्रिय राजपूतों की सेना। तो आपका इसके बारे में क्या मत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इसके बारे में क्या मानते हैं कि महाराणा प्रताप का युद्ध भूमि से जाना उचित था या नहीं था, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना है, या कोई हमसे गलती हो या फिर जो मिस्टेक हो तो कमेंट्स करके जरूर अवश्य बताइएगा। अब वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।